हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने मैक्रो न्यूट्रिएंट स्टार्ट किया था। सो मैक्रो न्यूट्रिशन को हम लोग तीन पार्ट में करके पढ़ेंगे। सो फर्स्ट पार्ट हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। ये क्लास 9 है आपकी और आज हम इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सो सेकेंड पार्ट में हम लोग देखते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, सोर्सेस क्या हैं, ये सब आज के लेसन में हम लोग देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोटीन्स आर नीडेड इन द बॉडी फॉर बॉडी बिल्डिंग। ये प्रोटीन का आप कह सकते हैं कि मेन जो फंक्शन है प्रोटीन का यही है कि वो बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या था, एनर्जी प्रोवाइड करना, ऐसे प्रोटीन का जो मेन काम है बॉडी में वो है बॉडी बिल्डिंग करना। तो प्रोटीन की ज़रूरत क्यों होती है, प्रोटीन की ज़रूरत बॉडी में बॉडी बिल्डिंग के लिए होती है। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स नोन एज अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन जो है वो बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स से मिलके बना होता है और उन छोटी छोटी यूनिट्स को अमाइनो एसिड्स कहा जाता है, राइट। देयर आर ऑल टुगेदर 22 अमाइनो एसिड्स। ये छोटी छोटी यूनिट्स हैं जिनको अमाइनो एसिड कह रहे हैं, ये टोटल नंबर में 22 होते हैं। तो अगर सबको मिलाया जाए, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल सबको मिलाया जाए, तो मिला के 22 अमाइनो एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया, देयर आर 8 अमाइनो एसिड्स विच आर बॉडी कैन नॉट मैन्युफैक्चर। अब इस 22 में से 8 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती, बॉडी नहीं बना सकती उन 8 अमाइनो एसिड्स को। नेक्स्ट, रेस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द बॉडी। 22 में से 8 ऐसे हैं जो बॉडी नहीं मैन्युफैक्चर कर सकती, बाकी जितने बचे हैं रेस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिनको बॉडी मैन्युफैक्चर कर सकती है, बॉडी खुद से उनको बना सकती है। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर दोज विच आर बॉडी कैन नॉट मैन्युफैक्चर एंड हैंस हैव टू सप्लाई थ्रू द डाइट। अब एसेंशियल मतलब जो 8 अमाइनो एसिड जिनको बॉडी नहीं बना पा रही है उनको एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी कहा जाता है। अमाइनो एसिड्स को बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। तो एसेंशियल ऐसे हैं जिनको बॉडी नहीं बना पाती है और वो एसेंशियल भी हैं, मतलब बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, उस कंडीशन में उन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को या तो डाइट के थ्रू आप सप्लाई करेंगे, प्रोवाइड करेंगे बॉडी को। अगर डाइट के थ्रू भी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो फिर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं ताकि बॉडी में एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जा सके। नेक्स्ट, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर दोज अमाइनो एसिड्स विच आर बॉडी कैन मैन्युफैक्चर। ये वही है कि जो रेस्ट ऑफ द बच रहे हैं उनको नॉन एसेंशियल बोलते हैं, उनको बॉडी मैन्युफैक्चर कर सकती है। तो अगर ये डाइट में कम हो या ना भी हो तो चल सकता है, बट एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को डाइट के थ्रू देना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फंक्शंस क्या क्या है प्रोटीन्स के, नीडेड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। ज़रूरत होती है प्रोटीन के किस लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, टिश्यू की रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर कोई बच्चा छोटा है, अगर कोई 2 साल का बच्चा है, उसको खाने में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, है ना, ग्रोथ, तो उसकी ग्रोथ कैसे होगी। अगर वो एक मैल नरिश्ड बच्चा है, आपने देखा होगा एक वेल नरिश्ड और एक मैल नरिश्ड बच्चे को, अगर आप देखें तो वेल नरिश्ड बच्चे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है इन कंपैरिजन ऑफ मैल नरिश्ड। तो यही यहाँ पे है, प्रोटीन का काम है कि वो ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए ज़रूरी है कि डाइट में प्रोटीन सफिशेंट अमाउंट में दिया जाए। नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, एंटीबॉडीज एंड हीमोग्लोबिन। तो क्या है कि प्रोटीन की ज़रूरत क्यों होती है, इन सब के प्रोडक्शन में प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे आप हीमोग्लोबिन से समझ सकते हैं, देखिए ये है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को अगर डिवाइड करते हैं तो हीम प्लस ग्लोबिन, ये दो वर्ड से मिलके बनता है, जहाँ पे हीम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। तो बिना प्रोटीन के हीमोग्लोबिन नहीं बन सकता, उसी तरीके से एंजाइम्स हैं और आपके हॉर्मोन्स हैं, एंटीबॉडीज हैं,
इन सब के प्रोडक्शन के लिए भी प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड क्लॉटिंग में प्रोटीन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। प्रोवाइड एनर्जी इफ नेसेसरी, आपको याद होगा प्रीवियस लेसन में कार्बोहाइड्रेट जब मैंने बताया था आपको, तो कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन था एनर्जी प्रोवाइड करना, राइट। उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन कई बार एनर्जी प्रोवाइड करता है ना, प्रोटीन स्पेयर वाला जो मैंने आपको पॉइंट बताया था। तो उसमें क्या है कि कार्बोहाइड्रेट जो अपना मेन फंक्शन है एनर्जी प्रोवाइड करना, अगर कार्बोहाइड्रेट सफिशिएंट अमाउंट में नहीं दिया जाता है बॉडी को, तो क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाता है, वो अपना काम नहीं कर पाता है। और बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो उस टाइम प्रोटीन अपना मेन फंक्शन छोड़ के वो एनर्जी देने का काम करने लगता है। तो यहाँ पे यही बताया है, प्रोवाइड एनर्जी इफ नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़ती है तो प्रोटीन एनर्जी देने का काम भी करता है। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स क्या क्या है, मीट, पोल्ट्री, फिश एंड एग्स। नेक्स्ट बताया है मिल्क, चीज़, पनीर, कर्ड, ये सारे प्रोटीन के सोर्सेज हैं। सोयाबीन, पीज एंड पल्सेस, सीरियल्स, नट्स एंड ऑयल सीड्स लाइक तिल, ग्राउंड नट्स एक्सेट्रा। लास्ट में इन्होंने बताया कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन गिव्स 4 किलो कैलोरी, मतलब 1 ग्राम प्रोटीन अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो वो 4 किलो कैलोरी एनर्जी बॉडी को प्रोवाइड करता है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कि 1 ग्राम कार्ब या 1 ग्राम प्रोटीन कितने कैलोरी प्रोवाइड करता है, तो वो आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना होता है। तो ये बहुत ईजी है, इसको आप याद रख सकते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू।